हाय दोस्तों, वेलकम टू दी टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज के टेक्निकल फंडामेंटल शेयर रिव्यू में हम देखने वाले हैं गुजरात अल्काइज एंड केमिकल्स लिमिटेड, जो प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो दोस्तों, इसका एक छोटा सा ब्रीफ देखेंगे, फिर उसके बाद हम फंडामेंटल और टेक्निकल्स देखेंगे। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है सेक्टर केमिकल्स में है। तो दोस्तों, ये जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1973 में हुई थी गुजरात में, एंड ये होली ओन कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ एज अ कोर प्रमोटर के हिसाब से। 1976 में इसके जो ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे, जो कॉसिटिक सोडा प्लान किया था, जो 37,425 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से, जो सिचुएटेड है 16 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ वडोदरा नियर विलेज रनौली। जीएसएल के टू यूनिट्स है, एक वडोदरा और एक दहेज, और दोनों के दोनों गुजरात में। कंपनी और भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इसकी, जैसे कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन हाइड्रो क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोक्लोरीन गैस, एसिड, देन हाइड्रोक्लोरिक प्रीऑक्साइड। तो ऑल दिस दे हैव द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो कंपनी प्रेजेंटली वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉस्टिक सोडा इन इंडिया, विद द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ लगभग 1087 टन पर डे के हिसाब से। इट इज एक्रेडिटेड विद आईएसओ आल्सो 9035। ये कंपनीज के प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स विच जो हम दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे जो मेन सोर्स है इसका, मोस्ट ऑफ द थिंग जो सबसे ज्यादा मेन सोर्स है इसका जो है कॉस्टिक सोडा। बाकी के ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स है वो भी इसके अंदर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। दोस्तों, अगर हम फंडामेंटल के हिसाब से अगर कंपनी की ओवरऑल स्ट्रक्चर के इसमें देखें, तो एक चीज़ है कि द कंपनी की जो ओनरशिप है वो स्टेबल है। वैल्यूएशन के हिसाब से हम अच्छे प्राइस है जो हम बाय कर सकते हैं। कंपनी की एफिशिएंसी भी अच्छी है, फाइनेंशियल्स भी ओके पर ठीक है, और ये पीयर कंपेरिजन है। इनके मुकाबले में मुझे ये काफ़ी कंपनी अच्छी लगती है, उस मुकाबले में जिसमें हम एक एंट्री लेवल के हिसाब से हमारे पोर्टफोलियो में एक अच्छा गेंस मिल सकता है। तो कंपनी एसेंशियल्स में चलते हैं, तो मार्केट कैपेसिटल जो देख रहे हैं वो 3370 करोड़ है। एंटरप्राइजेस की वैल्यू की बात करें तो 3531 की है। पीई जो है 20 है, पीबीएस 0.63 है, बुक वैल्यू है इसका 732। कंपनी की जो डेप्थ है वो ज़्यादा नहीं है, 8% के हिसाब से पकड़ के चलिए मार्केट कैपिटल का, तो 204। प्रमोटर्स होल्डिंग है इसके अंदर जो है 46.28%। तो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, प्रमोटर्स होल्डिंग देखते हैं, जिसमें ज़्यादा होता है वो होता है। बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए कि प्रमोटर्स होल्डिंग कम है तो वो क्या प्लेज के कारण है या क्या है, तो ये मोस्टली पब्लिक होल्डिंग कंपनी के बेसिस आती है। अगर हम बात कर रहे हैं कंपनी के प्राइस के हिसाब से, तो दोस्तों कंपनी का ये लास्ट सेशन जो है उस हिसाब से जो हाई था वो 468 है, उस दिन का लो है 457। और कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी जो है करीबन 5% दूर है 52 वीक हाई के लिए। तो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का एक ये भी कहना है कि उनके बहुत सारे लोग एनालिसिस में ये भी करते हैं 52 वीक का जो ब्रेकआउट होता है वो उस पे बाय होता है, तो मोस्टली उस बेसिस पे वर्क भी होता है। तो अलग अलग लॉजिक्स है सबके। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो सबसे पहली चीज़ है कंपनी का जो प्लेज है वो जीरो है। पब्लिकली जो है 48% इस पे पब्लिक होल्डिंग है, प्रमोटर्स है 46.28%। कंपनी रेगुलर डिविडेंड भी डिक्लेयर करते जा रही है। दोस्तों, अगर डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें, तो दोस्तों पिछले साल के मुकाबले में जब हम देखेंगे जुलाई में, कि सडनली अप्रैल के मंथ से इसमें एक अच्छी ट्रेडेड क्वांटिटी हमें नज़र आई है। तो दोस्तों, ट्रेडेड क्वांटिटी में जो देख रहे हैं, जिसके अंदर जो डिलीवरी है वो कम है, लेकिन जिस हिसाब से देख रहे हैं जुलाई में एक अच्छी इसके अंदर डिलीवरी एड ऑन होती जा रही है। तो अभी करीबन लगभग 1.37 करोड़ की ट्रेडेड क्वांटिटी हुई है, और इसमें जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो 28% है। तो हम अभी जुलाई का वेट करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रोस्पेक्टिव है। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जब है, मैं इसका भी कारण बताता हूँ, आप देख रहे हो पिछले के मुकाबले में
मार्च अभी ये 3 दिन में, तो ये जो है इसके अंदर जो ट्रेडेड क्वांटिटी, तो म्यूचुअल फंड ने इसमें से एग्जिट लिया था जो अभी आज के तारीख में 0.67% की इसके अंदर अभी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग है, तो एक है जो म्यूचुअल फंड के हिसाब से, मार्च के हिसाब से इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है वो कम होती गई है, तो ये भी एक कारण था। लेकिन अब के इसके अंदर जो है हो सकता है एक नया एड ऑन भी हो सकता है, लेकिन अब के जो इसके अंदर हम जो पास्ट देख रहे थे उस हिसाब से एक अच्छी एड ऑन होती जा रही है। तो हमें ये आगे पता चलेगा कि इसके अंदर म्यूचुअल फंड की एड ऑन हुई है नहीं हुई है, उस हिसाब से हम देखेंगे। और भी बहुत साइट्स हैं जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है बल्क डील के हिसाब से, ब्लॉक डील के हिसाब से। तो दोस्तों ये करेंटली मंथली टाइम फ्रेम में, तो हम अभी बात करते हैं टेक्निकल में कि कौन सा पर्टिकुलर प्राइस हमारे लिए सुटेबल होएगा, जो हमारे के लिए होएगा। तो दोस्तों पहले तो हम देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो कंपनी का लिस्टेड हुई थी 2000 की से, एंड देन इसके हिसाब से जो है कंपनी एक 2001 में लाइफ टाइम हाई मारा था, फिर नीचे आया था। उसके बाद जो एक है 2018-19 के बीच में लाइफ टाइम हाई मारा था। उसके बाद जो जो हमारा कोरोना फेस हुआ था उसके बाद ये काफ़ी गिरावट आई थी, और कंपनी आपकी बार जो हो रही है लास्ट 4 महीनों से ही, 3-4 महीनों से ही इसने ग्रोथ करना शुरू किया। तो एक मुझे ऐसा लग रहा है इसके एक अच्छी अंदर पोटेंशियल है जो 607 लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेटर हो सकती है। तो आने वाले सालों में शायद ये आपको 607 दे दे। तो दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम जब चार्ट देख रहे हैं, तो कंपनी ने सो पर्टिकुलर चार्ट ने जो था पैटर्न ने पिछले जो कम जो लास्ट वीक थी उससे ब्रेकआउट तो दे चुका, लेकिन इसके अंदर अभी भी सस्टेन होना बाकी है। तो दोस्तों जैसे ही ये इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू होगा तब जाके इसमें एक नया तेजी आएगी। तो मुझे लगता है ये शायद 1 से 2 हफ्ते यहाँ पे ही सस्टेन करेगा, तो वो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों जैसे ही ये 466.50 के ऊपर सस्टेन करना शुरू होगा तब जाके इसमें एक नया तेजी नजर आएगी, जिसमें 544 से 607 हमारे लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करें। तो दोस्तों डे टाइम फ्रेम के अब हम आ जाते हैं, तो डे टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो हमें ब्रेकआउट भी मिल गया है, कंपनी ने रजिस्ट भी कर लिया। तो दोस्तों इसके अंदर में पर्सनल अभी तक मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, लेकिन मैं मंडे के दिन इसमें करेंट पोजिशन पे 50% ही ऐड करूंगा, और बाकी का जो 50% है अगर ये 430 के 440 के रेंज में आता है तो ही मैं इसके अंदर बाकी की 50% ऐड रखूंगा। और दोस्तों अगर ये 400 के नीचे सस्टेन होना शुरू कर देता है तो ये पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक हमें सपोर्ट ध्यान रखना है। तो इसमें दो रेंज है बाइंग के लिए, वो ज़रूर ध्यान रखना, जो मैं करने वाला हूँ आपको करने के लिए। आप एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से ले लीजिए, अपने हिसाब से आप एक बार सेल्फ स्टडी सेल्फ रिसर्च कर लीजिए, तब ही जाके आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो है 460 पे मैं 50% की जो मेरी करंट, जो मैंने 100% जो पर्टिकुलर में इन्वेस्ट करता हूँ, मान के चलो अगर कोई एक पर्सन है जो 10,000 डालने को सोचता है, तो इसके अंदर वो करंट लेवल पे जो मंडे के दिन है वो 5,000 ही डाले, बाकी का जो 5,000 है जब वो 430 टू 440 के रेंज में आए तब जाके इन्वेस्ट करें। तो ये जो ओवरऑल है मुझे कंपनी एक अच्छी लग रही है, तो मैं इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट भी बन सकेगा, साथ साथ अच्छे पैसे भी बन सकते हैं। तो दोस्तों आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले। तो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।